नीचे आ जाए कुर्सी सुनिए तो कुर्सी लगवा दी। और बहुजन समाज पार्टी स्थापक मानवर गांधी राम साहब के चरणों में सदर समर्पित करते हुए आज इस बहुत कांग्रेस में बहन जी के आदेशानुसार जनपद बस्ती में रखी गई है। हम सब के बीच जो उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ साथी आदरणीय इंदर राम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मंडल के प्रभारी राहुल रामनाथ जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय बहन धन्यवाद बधाई देता हूं कि हम सबके सीनियर आदरणीय मेरे भाई जी को माननीय बहन जी ने पूरा मौका देकर के इस मंडल का इंचार्ज बनाया। मैं भाई साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सीताराम शास्त्री जी, संचालन कर रहे आदरणीय रामचंद्र चौधरी जी, के गौतम जी, ए पी राठौर जी, सुभाष चंद्र गौतम जी, संजय भूसिया जी, ओम प्रकाश गौतम जी, जय हिंद गौतम जी, अजय पांडे जी, शिवशंकर जी, अर्षद खान जी, छट्टी गौतम जी, राजा अम्बेडकर जी, जयप्रकाश गौतम जी, रामकरण गौतम जी, अतर सिंह गौतम जी, पृथ्वीराज चौहान जी, भवानी भीख जी, राम सागर प्रधान जी, विनोद चौधरी जी, नयाब चौधरी जी, शैलेन्द्र कुमार गौतम जी, फिर गौतम जी, कृपा शंकर शुक्ला जी, यशवंत निगम जी, हमारे बीच में उपस्थित भाई पवन कुमार गौतम जी, डॉक्टर आलोक रंजन जी, रामचंद्र निराला जी, प्रदीप गौतम जी, मंत्राम प्रजापति जी, कृपा शंकर गौतम जी, देशराज गौतम जी, राजीव राय जी, दिवाकर कपूर जी, केसी मौर्य जी, राधे रमन सिंह जी, श्याम बौद्ध जी, गुरुदेव निगम जी, महेश प्रधान जी, प्रमोद कुमार जी, बनवारी लाल कनौजिया जी, राजेश प्रताप सिंह जी, शिव कुमार गौतम जी, नौमी प्रसाद जी, अनूप कुमार जी, जोगिंदर चौधरी जी, मालती जी, राधिका गौतम जी, साधन चौधरी जी, सीताराम जी, सूर्यनाथ जी, राजेंद्र गौतम और जिन साथियों ने नाम नहीं लिखा है मैं उनका स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पर जो हमारे यहाँ पर मीडिया के साथी आए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे प्रिंट मीडिया का हों, आप सब साथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों बहन जी के आज ये बंद कर दो यार, ये बंद बहुत ही आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में है। निश्चित तौर पर ये बहुजन समाज पार्टी के लिए इस जनपद बस्ती के साथ साथ पूरे मंडल के लिए ये बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि हमारे आपके बीच में माननीय बहन जी का आशीर्वाद लेके आदेशानुसार भारतीय जनता पार्टी को इस जनपद पे खड़ा करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे जनपद में मजबूत करने वाले और बहुत ही हमारे वरिष्ठ साथी जो पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, माइक गड़बड़ा जा रहा भैया, समय से सन 1989 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, 1993 में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे अवध विश्वविद्यालय से, 2002 से 5 तक क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे गोरखपुर क्षेत्र के, दो बार भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे बस्ती के, 2013 से लेकर 16 तक जिला अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के और 2016 से 2019 तक प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे। बहुत ही जिम्मेदार साथी माननीय जताते हुए बहुजन समाज पार्टी में जताते हुए आस्था हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी भाई दयाशंकर मिश्र जी आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्य। मैं आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो वाला दीजिए, ये वाला, चलिए सर स्वागत। आ जाइए,
आगे से पहना दीजिए, लीजिए पकड़ लीजिए, ये पकड़िए। बैठो, देखना नीचे देखना। बहुजन समाज पार्टी के लिए, अभी रुक जाइए भैया, जनपद बस्ती के लिए ये आज बहुत ही शुभ दिन है। और निश्चित तौर पर जो मान्या बहन जी ने आप पर विश्वास जताया है, आइए विधायक जी इधर आइए। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे बीच भगवान दास जी, पूर्व विधायक आ गए, माननीय मलसी साहब भी आ गए होंगे, माननीय पूर्व मलसी साहब आइए, मीडिया के साथी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के परिवार में बड़े भाई आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी आए हैं, और हम सब साथी ये पूरी उम्मीद और आशा रखते हैं कि जैसे दिन रात लग करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस जनपद में मजबूत किया, उसी तरीके से इस जनपद के साथ साथ पूरे मंडल में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, आज कोई बहुजन समाज पार्टी की ये मीटिंग नहीं थी, बैठक नहीं थी, एक आदर्श आचार संहिता लगी है, और प्रशासन से निवेदन करके केवल 2 घंटे की हम लोगों को परमिशन मिली है, बड़ी मुश्किल से 4 से 6। तो मेरे साथियों, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। हमारे 5ों विधानसभा के यहाँ पे जो विधानसभा की कमेटी के साथी आए हैं, जिला कमेटी के साथी आए हैं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, ये आप सबको बताते हुए, हमारे मीडिया साथियों को ये बताते हुए, कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने भाई श्री दयाशंकर मिश्रा जी को इस बस्ती लोकसभा से अपना आशीर्वाद दे करके इस लोकसभा का प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का घोषित किया है। ये आशा और उम्मीद है कि भाई दयाशंकर मिश्रा जी भारी वोटों से जीत करके ये सीट को, जो बहुजन समाज पार्टी बहुत पहले भी बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। मैं चाहूंगा कि मेरे जितने पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, सब अपने प्रत्याशी का स्वागत करने का